दरबार के जय देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायने कलोहि कार्य सिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः देव्यो वाच शृणु देवा प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेषु साधनम् मया त्वमेव स्नेहेन प्रम्बा सुधीः प्रकाश्यते ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषि अनष्टभछन्दः श्री महाकाले महालक्ष्मे महासरस्वत्याधेवता श्री दुर्गा प्रेतरथम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः ॐ ज्ञानिनामभिषेदासे देवे भगवते सा वलादादृश्यमोहाय महामाया प्रयश्यते दुर्गे स्मृता हर्षभीतिमशेषजन्तो स्वस्य स्मृता मतिमतेव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारणिका त्वदन्याम् सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरे नारायणे नमास्तुते शरणागतदृढार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यापि हरे देवे नारायणे नमास्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते दैवसायिनो देवे दुर्गे देवे नमास्तुते रोगा न शेषान महंसितुष्ट दुष्टानुकामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानाम् न विपन्नराणाम् त्वामाश्रिताह्याश्रयतां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रजानां त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव द्वयाकायमस्वर्वैर्विनाशनम् ॐ श्री दुर्गायै नमः श्री दुर्गस्तोत्र शतनाम स्तोत्र ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति ॐ सति स्वाधि भव प्रीता भवानी भव मोचने मार्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणि पिनाकधारिणि चित्रा चन्द्रकन्दा महातपा मनावृद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिदाचिति सर्वमन्त्रमयि सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणि अनन्ता भाविनि भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनि अपर्णायकवर्णा च पाटला पाटला भवति पट्टाम्बरपरिधाना कलमञ्जीरञ्जनि अमेय विक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी
वनदुर्गा च मातङ्गे मतङ्गामुनपूजिता धामी माहेश्वरी चन्द्रे कौमारी वैष्णवे तथा चामुण्डा चैव वाराहे लक्ष्मी च पुरुषा कृते विमलाकर्षणे ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिना बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना विशुम्ब शुम्ब हरणे महिषासुरमर्दिनि मधुकैटवहन्ते च चण्डमण्डा विनाशिनि सर्वासुरविनाशा च सर्वदा नवघातिनि सर्वशास्त्रमये सत्या सर्वास्वधारिणे तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणि कुमारी चैक कन्या च कैशारी ज्योति जते अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशे गौररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखे कालरात्रिस्तवस्विनी नारायणे भद्रकाले विष्णुमाया जलोदरी शिवदूते कराले च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायणे च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनि या इदम् रमणे नित्यम् दुर्गा नाम सदाशकम् नासाध्यम् विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनम् धान्यम् सुतम् जायम् अयम् हस्तिनमेव च चतुर्वर्गम् तदा चान्ते लभेन् मुक्तिम् च शाश्वतीम् कुमारीम् पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीम् सुरेश्वरीम् पूजयेन्द्वरया भक्त्या पठे नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्लभे देवे सर्वे सुरभरैरभि राजानो दासदां यान्ते राज्यमवाप्नुयात् घोरोचनालक्तककुङ्कुमेन सिन्धूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्ययन्त्रम् विधिना विधिज्ञो भवे सदा धार्यते मुरारिः भौमावास्यानि सामग्रे चन्द्रे सुदृशाङ्गने विलिख्य प्रभणे स्तोत्रम् स भवे सम्पदाम् पदम् प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन। आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ विभूति की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुफा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों के प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों के प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकरण माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपका बुद्धि के लिए आपके उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। जहाँ स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से
माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। धन लाभ होते ही उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है। वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही दीर्घायु को प्राप्त होते ही उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। वह पूर्ण आज का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मण कुल कर्म करते हुए इस माँ जगजन ने माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच ॐ अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः लालष्टवशण्डः चामुण्डा देवता अञ्जना सप्तमातलो बीजम् दिगबन्ध देवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बामित्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जबे विनियोगः। ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डेयुः च ॐ खद्गुह्यं वरमङ्गलोके सर्वरक्षाकरमिदाम् यन्न कस्यचिदा ख्यातं तन्मे ब्रोहे पितामहः। ब्रह्मोवाच अस्ति गृहतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यासोकवचं पुण्यं दर्शनं श्वामहामणे प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्धमादेति षष्ठं कात्यायणीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनाम् अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयातः शरणं गताः। न तेषां जायते किञ्चित् अशुभङ्गणसङ्गणे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नै ये सुभक्त्या स्मृतानोऽहं तेषां वृद्धे प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षचेतानः संशयः। प्रेतसंस्थातु चामुण्डा बाराये महिषासनाम् हैन्द्रीगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासनाम् माहेश्वरी विशारूढा कौमारी श्रीवाहनाम् लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी विषवाहना ग्रामे हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता नित्येता मातरः सर्वः सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नामशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्या क्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिमहलं च मुसलाजुतम् खेदकं तोमरं चैव परशुर्माशमेव च कुन्द्राजुतं त्रिशूलं च सारङ्गमाजुतमुत्तमम् दैत्राणां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानेत्थं देवानां दयिताय मे नमस्यस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाभले महोत्साहे महाभयविनाशिने राहि मां देवे दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयभर्धिने प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रे आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणयामतु वाराये नैरित्यां खड्गधारिणे पृथिव्याभारणे रक्ष वायव्या मृगवाहिनी उधिष्ठां पातु कौमारे ऐशान्यां शूलधारिणे ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष अरस्तां वैष्णवी तथा एवं दशविशो रक्ष चामुण्डा शववाहनम् जया मे जागृतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अविदा वामवाश्वेतो दक्षिणे चापराजिता
శిఖామధ్యోదయ రక్షే ఉమామూర్తిరవస్థిత మాలాధరి లలాటే చ భ్రువరక్షే తజస్విని త్రినేత్రా చ భ్రువర్మధ్య జమగంధా జలాశుకే శంఖనే చక్షుషోర్మధ్య శ్రోత్రయోద్ధారవాసిని కమలోకాలిగారక్షే కర్ణమూలే తుశాంకరి నాసికాయాం సుగంధా చ ఉత్తరోష్ఠే చ చర్చికా సరస్వతి దంతానక్షమారి కంఠదేశే చండికా ఘండికా ఘండా చ మహామాయా చారుకే కామాక్షే చివకాక్షే వాచ మే సర్వమంగళ గ్రీవాయాం భద్రకాళే చ పృష్టవంశే ధనుర్ధరి నీలగ్రీవాహి కంఠే నలికాంధలకోమరి సంధ్యా ఖడ్గణే రక్షే బాహు మే వజ్రధారిణి హస్తయా దండనే రక్షే దంభిగా చాంగులేశుక నఘర్షులేశ్వరీ రక్షే కక్షో రక్షే కులేశ్వరి స్తనా రక్షే మహాదేవే మహాశోక వినాశిని హృదయ లలితా దేవీ ఉదరే శూలధారిణి నాభోజకామిని రక్షే భుజం భుజేశ్వరీ తథా భూతనా కామి కామేదంగుదే మైషవాహిని కట్యాం భగవతి రక్షే జానుని వింధ్యవాసిని జంగే మహాబలా రక్షే సర్వకామ ప్రదాయని దుల్భయోర్ణాయ సింహే చ పాదపృష్ఠే తుదేయసి పాదాంగులేషు శ్రీరక్షే పాదాదస్తలవాసిని నఘాదశాకరాలే చ కేశాంజైవద్వకేశని రోమకూపేషు గౌవేరి త్వజం వాగేశ్వరి తథా రక్తమజ్జావసామాస నష్టి మేధాసి పార్వతి అంత్రాణి కాలరాత్రిశ్చ పిత్తం చ ముకుటేశ్వరి పద్మావతి పద్మకోశే కవే చూడామణి తథా జ్వాలాముఖే నగజ్వాలం అవేద్యా సర్వసంధిషు శుక్రం బ్రహ్మాణి మే రక్షే శాయం సత్రేశ్వరి తథా అహంకారం మనా బుద్ధిం రక్షన్ మే ధర్మధారిణి ప్రాణాపానం తథావ్యానం ఉదానం చ సమానకం వజ్రహస్తా చ మే రక్ష ప్రాణం కళ్యాణ శోభనం రసరూపే చ గంధే చ శబ్దే స్పర్శే చ శోభిని సత్వాంగ్రయస్తమశైవ రక్షే నారాయణే సదా ఆయు రక్షతు వారాయే ధర్మం రక్షతు వైష్ణవి కీర్తిం చ లక్ష్మీం చ ధనం విద్యాం చ చక్రిణి గోత్రమింద్రాని మే రక్షే పశూన్ మే రక్ష చండికే పుత్రా రక్షన్ మహాలక్ష్మీర్భార్యాం రక్షతు భైరవి పంథానాం సుభదా రక్షన్ మార్గం క్షేమ కరీ తదా రాజద్వారే మహాలక్ష్మీర్విజయా సర్వదా స్థితా రక్షాహీనం దుర్స్థానం భజతం కవచేన తత్సర్వం రక్ష మే దేవే జయంతే పాపనాశని పదమేకం న గచ్చేతో జదిచ్చే శివమాత్మన కవచైనామితో నిత్యం యత్ర యత్రే లయశ్వరి తత్ర తత్రార్థలాభస్య విజయా సార్వకామికా యం యం చింతయతే కామం తం తం ప్రాప్నోతి నిశ్చితం పరమేశ్వరయమతులం ప్రాప్నోతే భూతలే భవాన్ నిర్భయో జాయతే మర్త్యా సంగ్రామేశ్వ పరాజితా త్రైలోక్యే తు భవే పూజ్యా కవచే నామృతా భవాన్ ఇదం తు దేభ్యా కవచం దేవానామపి దుర్లభం యా పరే ప్రయతో నిత్యం త్రిసంధ్యం శ్రద్ధయాన్విత దేవే కల భవే తస్య త్రైలోక్యేశ్వ పరాజిత జీవే వర్షం జాగ్రం అవమృత్యో వివర్జిత నశ్యంతి వ్యాధయా సర్వే లోతా విస్ఫోటకాదయా స్థావరం చంద్రమం జైవ కృత్రిమం జాభిజద్విషం అభిచారాణి సర్వాణి మంత్రయంత్రాణి భూతలే భూజరాజరాశైవ జలజాశోపదేశికా సర్జా కులజా మాలా డాకిని శాకిని తథా అంతరిక్ష జరా గౌరా డాకిన్యశ్చ మహాబలా గ్రహభూత పిశాచాశ యక్ష గంధర్వ రాక్షసా బ్రహ్మ రాక్షస వేదాలః కుశమాండా భైరవాదయ నశ్యంతి దర్శనాదస్య కవచే హృది సంసృతే
पत्नी मनोरमांगे मनोवृत्तानुसारिणे कारणे दुर्ग संसार सागर कुलोत्सवान् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नर स तु सप्तशती संख्या परमापयाति संपदा। अथ कीलक ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः अनष्टवशन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशदेवाढाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे श्रेयाप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमासधारिणे सर्वमे तन्द्रियानेयान्मन्त्रानामविकीलकम् स्वाभिक्षेममवाप्नोति सुतम् जाप्य तत्परः सिद्ध्यङ्गुजाटनाधीने वस्तूनि सकलान्नभि एतेन स्तुवतां देवे स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो न शतं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्रान्नपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्का इमामरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रम् वे चण्डिकायासु तच्च गुप्तम् चकारसा समात्रेण च पुण्यः ताम् यथावन्ययन्त्रणा स्वाभिक्षेमवाप्नोति सर्वमेवम् न संशया कृष्णायाम् वा चतुर्दश अष्टम्याम् वा समाहिता ददाति परिगृह्णाति नान्यदेशाभिसीदति इत्थम् रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् ज्योतिष्कीलाम् विद्यालयेनाम् नित्यम् जपति संस्मृतम् स सिद्धः स्वगणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवापणतस्तस्य वयम् वापि अजायते नापमृत्यो वयम् जाते मृदो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुरवेत न कुर्वाणोऽपि नश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदम् प्रारभ्यते बुधेः सौभाग्यादि अर्जञ्च दृश्यते ललनाजने तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदम् शुभम् क्षणे स्तूयप्यमाणेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि तथा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदा शत्रुहानि परो मोक्षः श्रूयते सा न किञ्जनैः। श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्र ಪದೇ ಭಗಾಧಿಪದೇ
क्षमा प्रार्थना है अट क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि यन्ते हरण शर्मया दासो यमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् जगदम्बे समभावनोति न तां ब्रह्माधया सुरा सापराधस्मे शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदाने मनकं व्योहं जघृष्यसे तत्सर्वां क्षम्यतां देवी प्रसीदा परमेश्वरी रामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्द विग्रहे ग्रहाणां प्रीत्या प्रसीद ज्योत माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आपसे भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि माँ इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों को वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे।
बड़ा ही शुभ समय अभक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है। इस जगजन ने जगत माता के दरबार में आकर के इस तपस्थली पर बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन ने जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस स्थान पर बैठ करके आप माँ भगवती का स्तवन कर रहे हैं ये तपस्थली है तब भूमि है और ऐसे पवित्र स्थली पर बैठ करके वास्तव में बैठने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। फिर जो भक्ति ने इस प्रकार से भक्ति युक्त होकर के इस जगजन्य जगत माता का ध्यान करते हैं, माँ भगवती स्तुति करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, स्तोत्रों का पाठ करते हैं, मां से प्रार्थना करते हैं, इसका अक्षय फल होता है। ऐसे परम पवित्र वेला में और ऐसे पवित्र स्थान पर बैठ करके जो है ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए पुण्य कर्म करने का, तो इसका जो है अक्षय फल होता है, इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता है। तो मां भगवती इसी स्थान से होकर के माँ वैष्णो देवी ने इस गुहा के अंदर प्रवेश किया था और इस गुहा के अंदर माँ भगवती आदि शक्ति तीन दिव्य पिंडी को विराजमान होकर के तप कर रही है। माँ भगवती के जो मूल आधार है मूल जड़ से एक ही पिंडी है, 5.5 फुट की जो पिंडी है, चरण चरण गंगा बहती है, ऊपर आकर के तीन शक्ति बन गए, तीन स्वरूप हो गए हैं और उन तीनों महाशक्तियों के दर्शन जो है वह पिंडी गुरु में है, माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, जिनके दर्शन के लिए जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप सभी माँ के दरबार में आकर के इस गुहा के अंदर इन दिव्य पिंडियों के सामने नतमस्तक होते हैं और इन तीनों देवियों का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माता महाकाली जिस शरणार्थ भक्तों को शक्ति का वरदान देती है, शत्रु का नाश करती है, रोगों से मुक्ति देती है, देश विदेश में अंग संग रक्षा करती है। माता महालक्ष्मी माँ वैष्णवी जिस शरणार्थ भक्तों को धन लक्ष्मी का वरदान देती है, कारोबार में वृद्धि करती है और सर्वत्र जो भक्तों का मंगल मंगल करती है। माता महासरस्वती जिस शरणार्थ भक्तों को विद्या बुद्धि का वरदान देती है। तो ये ऐसा स्थान है जो शक्तिपीठ जो है, अन्यत्र आप किसी भी शक्तिपीठ पर चले जाइए वहां पर एक एक शक्ति ही दर्शन है और यहाँ पर भगवती आदि शक्ति तीन शक्ति के रूप में एक साथ विराजमान है और तीनों शक्तियों का मनुष्य के जीवन में होना बड़ा ही अनिवार्य है, क्योंकि इन शक्ति के बिना जो है व्यक्ति भली प्रकार से वह अपने कार्य जो है वह सिद्ध नहीं कर पाता। सबसे पहले क्या है, शारीरिक शक्ति, शरीर जो तंदुरुस्त होना चाहिए, निरोगी होना चाहिए। शरीर तंदुरुस्त हो, निरोगी हो तो ही जो है मनुष्य का जीवन जो सफल माना जाता है, नहीं तो चाहे कितना ही धन किसी के पास क्यों ना हो, ज्ञान कितना ही क्यों ना हो, यदि शरीर तंदुरुस्त नहीं है, रोगों से युक्त है तो ये सब शक्ति जो है उसके किसी काम की नहीं। तो माता महाकाली जो शक्ति देती है रोगों से मुक्ति देती है, निरोगी जीवन देती है, तो निरोगी काया जो है इसी भगवती कृपा से प्राप्त होती है। तो निरोगी काया होनी चाहिए, फिर जो धन लक्ष्मी की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा, फिर ज्ञान शक्ति माँ सरस्वती की कृपा, शारीरिक शक्ति, धन शक्ति और ज्ञान शक्ति, विवेक शक्ति, ये तीन शक्ति जो है जिस मनुष्य के पास है उसके जीवन में कभी कोई अमंगल नहीं होता, उसका जीवन जो सुख में बना रहता है और वह भुक्ति और मुक्ति इन दोनों को प्राप्त कर लेता है। भुक्ति अर्थात संसारी जितने सुख हैं उन सुखों का भोग करता हुआ अंत में वह परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से ये देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तजन माँ के दरबार में आकर के इस गुहा के अंदर माँ के चरण नतमस्त होते माँ से प्रार्थना करते हैं कि भगवती हम पर सदा सर्वदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, क्योंकि आपकी जिन पर कृपा हो जाती है बस साधक जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं।
वह धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेती हैं जिन पर आपकी कृपा हो जाती है। आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो आज जो है चतुर्दशी योग पूर्णिमा है, बड़ा ही उत्तम दिन है। कल भी चतुर्दशी थी, सारा दिन जो है आज चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा है। चतुर्दशी जो है 7:18 तक है, उसके उपरांत पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी। तो पूर्णिमा का आज सत्यनारायण का व्रत भी है, रात्रि वाली पूर्णिमा जो आज है और कल जो है दिन वाली पूर्णिमा कल होगी। कल पूर्णिमा जो है जे 8:30 रहेगी, उसके उपरांत प्रतिपदा प्रारंभ हो जाएगी। तो आज जो है यही चतुर्दशी जो है 7:18 तक ही, उसके बाद पूर्ण प्रारंभ हो रही है और सत्यनारायण का व्रत भी ही और आज से श्राद्ध भी जो है जी भी प्रारंभ हो रहे हैं। पूर्ण का श्राद्ध जो है जे आज ही होगा और कल प्रतिपदा का श्राद्ध होगा। बोले सच्चे द्रवर की जय। तो अनंत चतुर्दशी जो है, कल अनंत चतुर्दशी थी, आज भी जो है, क्योंकि जो शास्त्र बतलाया गया है कि पूर्णिमा जो चतुर्दशी हो तो वह बहुत ही वह उसका बड़ा ही महत्व बतलाया गया है। तो इस प्रकार से चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा का व्रत करने से जो है मनुष्य के दुख दारिद्र दूर होते हैं, धन धन की वृद्धि होती है, कष्ट से मुक्ति मिलती है और जीवन जो है सुखमय हो जाता है। ओम अनंताय नमः, इस मंत्र का अनंत भगवान का जो इस प्रकार से जो स्मरण करते हुए जो है इस मंत्र का जो है जप करना चाहिए, क्योंकि कुछ विशेष नहीं होती है जिसमें की हुए अमुक देवता की आराधना अर्चना जप पाठ जो है जिसका अनंत गुणा फल होते ही। तो इस प्रकार से ये अनंत चतुर्दशी जो क्या है, जो वर्ष में जो है जे एक बार जो है जो कुछ ऐसी व्रत होते हैं जो वर्ष में एक बार आते हैं और जिनका बड़ा ही विशेष महत्व होता है, जिसमें जो है व्रत करने से जो है उस विधि विधान से भगवान की आराधना करने से मनुष्य के दुख दूर होते हैं, कष्ट से मुक्ति मिलती है, धन धन की वृद्धि होती है और इस प्रकार से विपत्तियां दूर होती हैं और मनुष्य का जीवन जो है वह सुखमय हो जाता है। इसी व्रत का उपदेश जो है भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को दिया था, जिस समय पांडवों का राज्य चला गया था, वह वन में रह रहे थे। उस संकट काल में जो है जब देश भगवान कृष्ण ने जो है यह पांडु को दिया था कि आप इसका व्रत करें, चतुर्दशी पूर्णिमा का व्रत करें, जी अनंत चतुर्दशी जो है जिस दुखों का दूर करने वाली है, सुखों को देने वाली है। तो व्रत जो है और जे बतलाये व्रत को किसने किया था और किसने व्रत को भंग किया जिस कारण से वह दुखी हुए, संकट में आए और पुनः जो है यह क्षमा याचना करते हुए पुनः जब व्रत किया फिर जो है उन्हें पुनः सुख की प्राप्ति, उनका दुख जो था वह दूर हुआ। कहते हैं कि सुमंतु नाम के एक मुनि थे और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था शीला। शीला इतनी शील स्वभाव की, जथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा ही उसमें गुण भी थे, बड़ी धार्मिक थी, भगवान के अनन्य भक्त जो हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाली। और सुमंतु ने अपने पुत्र का विवाह जो है जय कौंडिन्य मुनि के साथ किया। कौंडिन्य मुनि भी बड़े प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं, इनका विवाह हुआ और विवाह हुआ। अब जो है शीला ने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया था और अनंत चतुर्दशी का जो व्रत होते हैं जिसमें कलश की स्थापना की जाती है और उसमें जो है एक सूत्र जो है धागा जिसमें 14 गांठे लगाई जाती है ओम अनंता नमः अनंता नमः इस मंत्र का जप करते हुए, और फिर उसका पूजन किया जाता है और उसके पास बैठ करके जो है जप किया जाता है। और जब जब व्रत पूर्ण होता है फिर उस धागे को जो है सौभाग्यवती स्त्री जो है अपने बाएं हाथ में उसको बांध लेती है, जिसके सौभाग्य की वृद्धि होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और व्यापार में धन धन की वृद्धि होती है, व्यापार में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से यही व्रत जो है इस प्रकार से जी 14 गांठों वाला सूत्र जो है अनंत सूत्र जो है इसको जी बांधा जाता है। बोलो सच्चे द्रवर की जय। तो इस प्रकार से एक दिन जो है इस व्रत के प्रभाव से जो है शीला के घर में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि थी, किस चीज की कमी नहीं थी। एक दिन जो है उनके पति कौंडिन्य ऋषि को
क्रोध हुआ, उसने उसके हाथ की तरफ देखा तो उसने एक सूत्र बांधा था, तो वह कहने लगा कि आपने मुझे अपने वश में करने के लिए ही ये सूत्र बांध रखा है। तो उसको तोड़ करके उसने आग में जला दिया, आग में फेंक दिया। उसके उपरांत जो है अब जो है उनके गृह सुख में जो है विघ्न आने लगे, कष्ट आने लगे, वह दुखी रहने लगे, धीरे धीरे धन समाप्त होने लगा, इतने दुखी हो गए, सब कुछ चला गया और अब जो है बड़े दुखी हुए। अब भगवान का तो अपमान हुआ, रण सूत्र का अपमान किया, उसे जला दिया, जीवन दुख आ गए, अब क्या करें। और दोनों जब वन में जो है भगवान अनंत को जो है उसको खोजने लगे, लताओं से, वृक्षों से, जो भी मिलता, पशु पक्षियों से, वह पूछते कि आपको पता है कि अनंत भगवान कहाँ है, कहाँ उनके दर्शन होंगे। इस प्रकार से वह ऐसा प्रायश्चित करते हुए प्रार्थना करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, प्रभु हम पर कृपा कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो इस प्रकार से उपदेश जो था भगवान श्री कृष्ण ने जो है पांडव को दिया था कि इस व्रत को आप करें, इस व्रत करने से जो है आपका दुख दूर होगा, आपका दरिद्र दूर होगा और आपके जीवन में जो सुख आएगा, दुख दूर होगा, सुख की प्राप्ति होगी। और फिर उन्होंने बतलाया कि ये व्रत जो है इस प्रकार से कौंडिन्य मुनि ने भी किया था, क्योंकि व्रत को उन्होंने भंग किया था, उसकी पत्नी ने जो व्रत किया था जिस समय उनका विवाह हुआ, विवाह करके जब जब शीला जो है अपने ससुराल में आ रही थी तो रास्ते में बहुत सारी स्त्री जो है एकत्रित होकर के अनंत भगवान का जो व्रत कर रही थी, व्रत कर रही थी। और जो शीला भी भाई उनके स्त्रियों के साथ जाकर के उसने व्रत किया और वहीं पर जो है और मंत्र जो सूत्र जो बांधा था जिसको कौंडिन्य मुनि ने तोड़ा था बाद में, तो सूत्र को बाहर बांधा जिसके प्रभाव से उनके जीवन में खूब सुख समृद्धि हुई, धन धन की वृद्धि हुई, जीवन सुखी था, निरोगी था, कोई कष्ट नहीं था, कोई रोग नहीं था, धन की कमी नहीं थी और बिल्कुल सुख शांति थी घर गृहस्थ में। और जब सूत्र का उन्होंने जो है अपमान कर दिया कौंडिन्य मुनि ने, उसके उपरांत जो है उनके जीवन दुख आने लगे, कष्ट आने लगे, विपत्ति आने लगी, रोग आने लगे और सारा धन जो था बस समाप्त हो गया। अब दोनों जो है पति पत्नी वन में जो है भगवान की खोज करते हैं। इस प्रकार से अब जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान को जो है देखा कि उनका भगवान को जो है उन पर दया आई और वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उन्होंने उसे उन्हें दर्शन दिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। उन दोनों पति पत्नी को जो है दर्शन दिए और कहा कि आओ मैं बतलाता हूँ, मेरे साथ गुफा में चलो, वहां पर आपको भगवान के दर्शन करवाता हूँ। तो वहां गुफा में ले जाते हैं, कहते हैं वहां पर जो है चतुर्दश जो है भगवान की जो है दर्शन जो है उनको होते हैं, अनंत भगवान के उनको दर्शन हुए, चतुर्दश भगवान के उन्होंने दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया। और इस प्रकार से वास्तव में क्या है, जब व्यक्ति जो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंस जाता है और उसमें अहंकार में आकर के जो है इस प्रकार से उसके मत में जो है कारण ही जब है दूसरों का अपमान करना शुरू कर देता है तो जीवन में कष्ट आ जाते हैं। जब इस प्रकार से, क्योंकि जब पुण्य का फल होता है, व्यक्ति पुण्य करता है जीवन में सुख आता है, और जब अनादर करता है भगवान का जो है और अहंकार में आ जाता है, काम क्रोध लोभ में जो है धन का अहंकार हो जाता है, तो इस तरह से वह क्रोध करने लग पड़ते हैं, फिर संकट में आ जाता है, विपत्ति में आ जाता है, क्योंकि क्रोध एक क्षण का क्रोध जो है बस संकट में डाल देता है, ऐसे क्षण का काम जो है वह भी संकट में डाल देते हैं। लोभ है, थोड़ी सी वस्तु के लिए जब लोभ कर लेते हैं उसी में जो व्यक्ति संकट विपत्ति में पड़ जाता है। तो इसलिए इनसे बचने के लिए एकमात्र भगवती की शरण है, जो जगजननी जगत माया जो है, जो भगवती महामाया जो है, इस महामाया के द्वारा सारा जगत जो है मोहित किया गया है, इसकी जिन पर कृपा हो जाती है वही जो इस प्रकार से इस मोह माया से मुक्त होते हैं और उनका जीवन जो कल्याणमय हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस तरह से अब भगवान जो है जब उनके दर्शन हुए तो उन्होंने कहा कि हम संकट में हैं, हमसे भूल हो गई है, अपने अपराधों की क्षमा जांचने करते दोनों पति पत्नी जो है। तब भगवान ने कहा देखो आपने जी
व्रत का जो है भगवान का अनादर किया और अनंत सूत्र का आपने जो अनादर किया उसको जला दिया, जिसके कारण से आपके जीवन में दुख है, कष्ट है। कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के ऐसे पाप कर्म होते हैं जिस कारण से जो है हमारे जीवन दुख आ जाते हैं, और दुखों में कहीं घुराना चाहिए अमुक व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा कर दिया जो हमारे ही कुछ पाप है, नहीं तो चाहे कोई भी बनी। तो इस प्रकार से उस समय जो है उन पापों का प्रायश्चित करते हुए खूब भक्ति करें, जप करें, आपके कष्ट दूर होंगे, दुख दूर होंगे और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। भगवान ने कहा कि आप जो हैं आप 14 वर्ष तक जो है यह हर वर्ष जो है इस चतुर्दशी ज्योति पूर्णिमा का व्रत जो है जो व्रत करें और आपके पाप का नाश होगा और जब पुनः जो आपको सुख की प्राप्ति होगी। आप दोनों ने जो है यह व्रत किया और व्रत करने से जो है उनके दुख जो दूर हुए। इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है पांडव को उपदेश देते हुए कह रहे हैं आप भी जो व्रत करें, इस व्रत करने से आपके दुख संकट दूर होंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है समय समय पर जब पांडव का मार्गदर्शन करते रहे और वन में रहते हुए पांडव तब करते थे, व्रत करते थे, भगवान की आराधना करते, जप करते थे, कीर्तन करते थे, ऐसे नहीं बैठे रहते थे वहां पर, जिसके फल स्वरूप जो है उनका खोया राज्य जो है उन्हें पुनः प्राप्त हुआ और पुनः वह धन धन्य से समन्वित हुए। इसलिए जब को कष्ट विपत्ति आए तो विपत्ति में धैर्य रखें, घबराए नहीं, माँ का स्मरण करें, परपिता परमात्मा का ध्यान करें, नाम जप करें, भक्ति करें, जितनी भक्ति कर सकते हैं। भगवान जो है मनुष्य का कल्याण करने के लिए दुख देते हैं, तभी तो कुंती ने जो है जब भगवान ने वरदान मांगने कहा था तो उसने कहा कि मुझे दुख चाहिए। क्यों दुख चाहिए? क्योंकि जब दुख थे तो आप हमारे साथ थे और जब सुख आया अब जो है पांडव के विजय हुई है, राज्य की प्राप्ति हो गई, सब कुछ प्राप्त हो गया है, परंतु आप छोड़ करके जा रहे हैं। जब तक दुख थे आप साथ साथ थे, इसलिए ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिसमें आपका स्मरण जो है जे बना रहे। इसलिए जब भी सौभाग्य प्राप्त हो इस प्रकार से माँ के दरबार में आकर के माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने लेने का तो प्राप्त करने का तो माँ से यही प्रार्थना करना कि भगवती ऐसी हम पर कृपा करने करें कि हम सदा सर्व धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मन कुल कर्म करते हुए आपके चरणों की भक्ति करते हुए हम कल्याण को प्राप्त हो सके, क्योंकि जिसमें हमारा कल्याण हो वैसे करें। इसी प्रकार से हम पर आप कृपा करें ताकि हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए कल्याण को प्राप्त हो सके। बोलो सच्चे दरबार की जय, कराये शरवली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की वेला निवेदन कर रहा हूँ, श्री जयपाल जी माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आपसे भक्त संकीर्तन में सहयोग देना सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए श्री जयपाल जी। जयकारा शेरावाली जा, बोल सच्चे दरबार की जय। मैया मैं तेरी पतंग, मैया मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जा मांगी, हवा विच उड़दी जा मांगी, हवा विच उड़दी जा मांगी, भक्तों के हरि स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपकी मर्यादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर देता है। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनु तेरा द्वारा है, मैनु तेरा द्वारा है,
को तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है नाल तेरा सहारा है एक तेरे ही भरोसे एक तेरे ही भरोसे हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी हां मैया डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी मैया डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी हां मैया तेरी पतंग मैया मैं तेरी पतंग हैं चरना कमला नालू मैनू दूर हटावी ना मैनू दूर हटावी ना हैं चरना कमला नालू मैनू दूर हटावी ना मैनू दूर हटावी ना हैं चरना कमला नालू मैनू दूर हटावी बोल सच्चे दरबार की जय तभी भजन प्रस्तुत करेंगे श्री विजय कुमार जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय शेरा वाली ने शेर नू बस कीता ते
ताइयों शेरां वाली काम दिए सच्ची जोत जगे ते चानन हर जगा ते आंदीए ते चानन हर जगा ते आंदीए जोतां दी ऐ लो दातीए जोतां दी ऐ लो तेरी जोत नूरानी मुझे न तेरी जोत नूरानी मुझे न तेरी जोत नूरानी ओ पावे होवे सौन महीना पावे होवे सौन महीना पावे होवे को जोतां दी है जोतां दी है जोतां दी है लो दातीए जोतां जो
ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਐ ਲੋ ਦਾਤੀਏ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਐ ਲੋ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਐ ਲੋ ਦਾਤੀਏ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਐ ਲੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨੂਰ ਚੜਾਉਂਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨੂਰ ਚੜਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨੂਰ ਚੜਾਉਂਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨੂਰ ਚੜਾਉਂਦੀ ਬੰਦਦੀ ਐ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਐ ਲੋ ਦਾਤੀਏ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਐ ਲੋ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਐ ਲੋ ਦਾਤੀਏ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਐ ਲੋ ਪੰਛੀਓ ਆਇਆ ਜ ਪਰਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੇਰੀ ਮਮਤਾ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਐ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਐ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਐ ਲੋ ਦਾਤੀਏ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਐ ਲੋ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਐ ਲੋ ਦਾਤੀਏ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਐ ਲੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਐ ਲੋ ਦਾਤੀਏ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਤੂਨੇ ਮੁਝੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਮੇਰੋ ਬਾ
Yeah.
बुलाया शेरा वाली रे, दक्षिण चक्रसूत्र वामे हस्त दिव्यांब्र कणकमयं पुस्तकं जानगम्यं सभेनां भदन्ते स्वकृतजपे शास्त्र विज्ञान शब्द क्रीडन्त दिव्यरूप करकमलधरा भारते सप्रसन्ना सच्चा जोता भली माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य से संबद्ध 2075 दक्षिणायन उत्तर गोल शरद ऋतु आश्विन मास की आज 8 प्रविष्टि हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष आज चतुर्दशी तिथि ही, आज चतुर्दशी तिथि जो है जी 7:18 तक ही, उसके उपरांत जो पूर्ण प्रारंभ हो जाएगी। रात्रि वाली पूर्ण का व्रत जो है जे आज ही, और आज से पूर्ण का श्रद्ध जो प्रारंभ होगा। पूर्ण का श्रद्ध आज है, कल प्रतिपदा का श्रद्ध होगा, तो आज से श्रद्ध विजय जो प्रारंभ हो रही है। सोमवार तदनुसार 24 सितंबर 2018 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीमण कंपा से माँ भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं, जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में और विशेषतः चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा के दिन जो है माँ के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके आरती के समय माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बढ़ी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं, उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे, संतते भाने भवे, श्रीमान यशस्वी भवे, प्रज्ञा भाने भवे, भूर्भुवत करणे धाने कनिष्ठो भवे, तेजस्वी भवे, धैर्य दर्पदलने व्यापार दक्ष भवे, श्री शंबर पाद पूजनरत सर्वोपकारी भवे, मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम देस्तु शरीर वर्चस आयुष्यम आरोग्यमाविदात् शुभमानमहीयते धनम धान्यम पशु पुत्र लाभम सत्समसरम दीर्घमायु अस्तु दीर्घमायु। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी। आपसे भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, संभल कर बोलने ताली बजाते हुए ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय जामा गौरी मैया, जय आनंद करनी मैया, जय आनंद करनी तुम तो निशन मैया जी, तो निशन नावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय मैया जी को मृग मन को,
Thank you.
ਸਤਿ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਸਬਦ ਮਨਾਰਥ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਸਭ ਕੋ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲੀ ਓਮ ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ, ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ, ਬੁੱਧਿ ਰੂਪੇਣ ਸੰਸਿਤਾ, ਬੁੱਧਿ ਰੂਪੇਣ ਸੰਸਿਤਾ, ਨਮਸਤਸਯ ਨਮਸਤਸਯ, ਨਮਸਤਸਯ ਨਮਸਤਸਯ, ਨਮਸਤਸਯ ਨਮੋ ਨਮਃ, ਨਮਸਤਸਯ ਨਮੋ ਨਮਃ। ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ, ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ, ਸ਼ਕਤਿ ਰੂਪੇਣ ਸੰਸਿਤਾ, ਸ਼ਕਤਿ ਰੂਪੇਣ ਸੰਸਿਤਾ, ਨਮਸਤਸਯ ਨਮਸਤਸਯ, ਨਮਸਤਸਯ ਨਮਸਤਸਯ, ਨਮਸਤਸਯ ਨਮੋ ਨਮਃ, ਨਮਸਤਸਯ ਨਮੋ ਨਮਃ। ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ, ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਰੂਪੇਣ ਸੰਸਿਤਾ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਰੂਪੇਣ ਸੰਸਿਤਾ, ਨਮਸਤਸਯ ਨਮਸਤਸਯ, ਨਮਸਤਸਯ ਨਮਸਤਸਯ, ਨਮਸਤਸਯ ਨਮੋ ਨਮਃ, ਨਮਸਤਸਯ ਨਮੋ ਨਮਃ। ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ, ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ, ਦਯਾ ਰੂਪੇਣ ਸੰਸਿਤਾ, ਦਯਾ ਰੂਪੇਣ ਸੰਸਿਤਾ, ਨਮਸਤਸਯ ਨਮਸਤਸਯ, ਨਮਸਤਸਯ ਨਮਸਤਸਯ, ਨਮਸਤਸਯ ਨਮੋ ਨਮਃ, ਨਮਸਤਸਯ ਨਮੋ ਨਮਃ। ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ, ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ, ਮਾਤ੍ਰ ਰੂਪੇਣ ਸੰਸਿਤਾ, ਮਾਤ੍ਰ ਰੂਪੇਣ ਸੰਸਿਤਾ, ਨਮਸਤਸਯ ਨਮਸਤਸਯ, ਨਮਸਤਸਯ ਨਮਸਤਸਯ, ਨਮਸਤਸਯ ਨਮੋ ਨਮਃ, ਨਮਸਤਸਯ ਨਮੋ ਨਮਃ। ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਤਾਂ ਪਰਮ ਪੂਜ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਗਵਿੱਧ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਫਾਦਾਰ ਪਰ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਕਾ ਪੂਜਨ ਕਰਕੇ ਅਖੰਡ ਜੋਤੀ ਕਾ ਪੂਜਨ ਹੋਗਾ, ਉਸਕੇ ਉਪਰੰਤ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਰਤੀ ਆਪ ਸਭਜਨੋ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਆਏਗੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਪਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਰਤੀ ਕੀ ਵੰਦਨਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਸੇ ਆਪਣੇ ਕਲਿਆਣ ਕੇ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਸੁਖ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਕੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵਲ से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे। सब मिलकर के बोलना, ओ देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमम सुखम, देहि देहि जयम देहि, रूपम देहि जयम देहि, ਸਰਵੇ ਸੰਤੋ ਨਿਰਾਮਯਾ, ਸਰਵੇ ਸੰਤੋ ਨਿਰਾਮਯਾ, ਸਰਵੇ ਭਦ੍ਰਾਣਿ ਪਸ਼ਯਂਤੋ, ਸਰਵੇ ਭਦ੍ਰਾਣਿ ਪਸ਼ਯਂਤੋ, ਮਾ ਕਸ਼ਚਿਤ ਦੁਖ ਭਾਗ ਭਵੇ, ਦੁਖ ਭਾਗ ਭਵੇ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤਿ ਸ਼ਾਂਤਿ, ਓਮ ਓਮ।
और शांतिपूर्वक बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन ही मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। अब परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी।
बोलो सच्चे Thank you.